आज हमारी YouTube की फैमिली एक मेंबर ने मुझे कमेंट करी, भाई ने मुझसे कहा था भाई थॉर और डॉक्टर मैनहटन में कौन है मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और इन दोनों के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। आज का टॉपिक मैंने इन्हीं भाई की डिमांड पर रेडी करा है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं और पहले बात करते हैं थॉर की और जानते हैं थॉर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। थॉर एक बहुत ही पावरफुल गॉड है एसगार्ड का और थॉर की स्टैंड बहुत ही पावरफुल है। थॉर ने ना जाने कितनी बैटल्स करी हैं और उन बैटल्स में बहुत ही पावरफुल बींग्स को डिफीट भी करा है फाइट में और थॉर की स्टैंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। थॉर का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है और थोर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है और थोर अपने स्टेमिना को बूस्ट भी कर सकता है। थोर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और थोर ने बैटल्स में बहुत ही पावरफुल लोगों को किल भी करा है फाइट में और थोर ने थानोस को भी ऑलमोस्ट किल कर ही दिया था और थोर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल हैं। थोर को एमसीयू में गॉड ऑफ थंडर भी कहते हैं और थोर हेवी से हेवी लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है वो भी अपने बिना वेपन्स के और थोर ने तो हल्क को ही बीट कर दिया था। थोर के पास एस्गार्डियन वेपन्स हैं और ये सच में बहुत ही पावरफुल बना देते हैं थोर को और थोर बहुत ही पावरफुल लोगों को किल भी कर चुका है इन वेपन्स के थ्रू और ये वेपन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं। थोर इन वेपन्स के तो टेलीपोर्ट भी हो सकता है और थोर किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन भी कर सकता है इन वेपन्स के थ्रू और थोर इन वेपन्स के थ्रू फ्लाई भी कर सकता है। थोर की स्पीड बहुत तेज बढ़ जाती है। थोर की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है क्योंकि थोर ने स्टार के रेडिएशन के ऊपर सर्वाइव कर लिया था अपनी बॉडी पर। यही नहीं, थानोस ने तो थोर की शिप पर भी अटैक कर दिया था। थानोस ने थोर को टॉर्चर भी कर दिया था वो भी यूनिवर्स से पावरफुल वेपन पावर स्टोन से और कहते हैं कि पावर स्टोन का एक ही टच प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल स्टोन से भी थोर को कुछ नहीं होता है और थोर की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। थोर के पास कमाल के हीलिंग फैक्टर है और थोर अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है और थोर का हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। थोर अब तक का सबसे पावरफुल एवेंजर है और थोर ने भाई थोर तो थोड़ी है और थोर की रॉ पावर बहुत ही पावरफुल है। ओनली अपनी रॉ पावर की हेल्प से थोर ने दो एलियन शिप को ही बहुत ही इजीली रोक दिया था। थोर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा फाइटर है और थोर ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हेला ऐसी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। तो आपको अंदाजा लग गया है कि थोर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो बात कर लेते हैं डॉक्टर मैनहटन की और जानते हैं डॉक्टर मैनहटन के पास क्या पावर एबिलिटीज हैं। डॉक्टर मैनहटन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। डॉक्टर मैनहटन टाइम कंट्रोल भी कर सकता है और टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है, यहाँ तक कि डॉक्टर मैनहटन टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। डॉक्टर मैनहटन इतना ज्यादा पावरफुल है कि रियलिटी को भी चेंज कर सकता है और अपने क्लोन्स भी रेडी कर सकता है और ये एबिलिटी डॉक्टर मैनहटन को और ही पावरफुल बनाती है। डॉक्टर मैनहटन बहुत ही बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है और उसका एक ही स्ट्राइक काफी होता है किसी को भी किल करने के लिए। डॉक्टर मैनहटन लाइटनिंग कंट्रोल भी कर सकता है, लाइटनिंग को मैनिपुलेट भी कर सकता है। डॉक्टर मैनहटन फ्यूचर पास्ट दोनों ही एक साथ दे सकता है। डॉक्टर मैनहटन ये इतनी ज्यादा पावर्स होल्ड करता है कि यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे और उसके सोचने से प्लैनेट्स क्रिएट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो आपको अंदाजा लग गया है वो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। डॉक्टर मैनहटन अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। डॉक्टर मैनहटन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है। ओनली अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर डॉक्टर मैनहटन ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया फाइट में। डॉक्टर मैनहटन बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है और लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है और इसकी स्पीड बहुत ही तेज है। डॉक्टर मैनहटन बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है, दूसरों के टास्क को ब्लॉक भी कर सकता है और डॉक्टर मैनहटन की स्पीड बहुत तेज स्पीड है। डॉक्टर मैनहटन की बॉडी बहुत ड्यूरेबल है। डॉक्टर मैनहटन ने फाइट के बीच में बहुत ही पावरफुल अटैक अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था। डॉक्टर मैनहटन की बॉडी बहुत ड्यूरेबल है। डॉक्टर मैनहटन का हीलिंग फैक्टर बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर मैनहटन की फाइट के बीच में अगर बॉडी डैमेज हो जाए तो डॉक्टर मैनहटन बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है क्योंकि डॉक्टर मैनहटन का हीलिंग फैक्टर बहुत ही पावरफुल है। डॉक्टर मैनहटन के पास है कॉस्मिक अवेयरनेस और इस पावर से थ्रू डॉक्टर मैनहटन किसी भी चीज को कंट्रोल करके उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सबसे बड़ी डॉक्टर मैनहटन की इमॉर्टल कैरेक्टर है और डॉक्टर मैनहटन को फाइट में मारना ही चाहता है फाइट में। डॉक्टर मैनहटन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर मैनहटन ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी किया है फाइट में और डॉक्टर मैनहटन गॉड लाइक इतनी पावर्स होल्ड करता है और इसी वजह से डॉक्टर मैनहटन की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तो आपको इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज का पता लग गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों में फाइट हुई फेस टू फेस तो इन दोनों की फाइट के विनर कौन होगा। देखो ये दोनों कैरेक्टर्स नो डाउट बहुत ही पावरफुल हैं और इन दोनों की ये फाइट बहुत ही लंबी चलेगी, लेकिन इस फाइट के विनर होगा डॉक्टर मैनहटन क्योंकि ये थोर से कहीं ज्यादा पावरफुल है पावर्स के मामले में और ये थोर को फाइट में डिफीट कर देगा और इस फाइट के विनर डॉक्टर मैनहटन। तो आई होप आपको इन दोनों कैरेक्टर से कंपेरिजन समझ में आ गया होगा। आपको लगता है मुझे कमेंट जरूर करना क्या थोर ज्यादा पावरफुल डॉक्टर मैनहटन से या फिर नहीं, अपना अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना। मैं आपको ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूंगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू ऑडियो स्प्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।